नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे कोकोनट लड्डू और इसे बहुत ही नए अंदाज में बनाएंगे। तो देखिए कितने सुंदर हमारे लड्डू बनकर तैयार हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं किन किन सामान की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। रेसिपी पसंद आए तो आप हमारी रेसिपी को लाइक भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर गरी का बुरादा लिया है और ये पूरे 2 कप है, और एक कढ़ाई ली है। गरी के बुरादा को 2 से 3 मिनट तक हम इस तरह से रोस्ट कर लेंगे। इसे हमें भूनना नहीं है, ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है, बस हल्का सा 2 मिनट के लिए गर्म करेंगे। और 2 मिनट हो गए हैं, ये देखें हल्का सा ये गरी का बुरादा हमारा भुन गया है। तो मैंने यहाँ पे 1/2 कप मलाई वाला दूध लिया है। आप बिना मलाई का या मलाई वाला दूध इसमें डाल सकते हैं। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा दूध आप इसमें और भी डाल सकते हैं, पर 1/2 कप दूध बहुत ही पर्याप्त है इसके लिए। अब मैंने यहाँ पे 1/4 कप इसमें चीनी डाल दी है। और इसे अच्छे से हम भून लेंगे। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से चलाते रहेंगे, आँच को बिल्कुल धीमा ही रखेंगे ताकि चीनी हमारी घुल जाए। और इसी तरह 2 से 3 मिनट तक इसे हम चलाएंगे। थोड़ी देर बाद चीनी घुल जाएगी तो ये काफ़ी गीला दिखने लगेगा। और इस तरह से चला चला कर हम अच्छे से इसे भून लेंगे। इस तरह से भूनने के बाद देखें आप, ये काफ़ी सूखा और बढ़िया दिखने लगेगा इस तरह से। और चीनी भी हमारी अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है। तो इसी तरह से हमें इसे तैयार करना है। अब हम इसमें इलायची का एसेंस डालने वाले हैं। आप इसमें इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। तो मैंने 4-5 बूंदें इलायची के एसेंस की इसमें डाल दी हैं। और 2 मिनट के लिए हम इसे और चला लेते हैं। इस तरह से आप लड्डू बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेंगे और जल्दी बनकर तैयार हो जाएंगे। और इस तरह से ये सूखा दिखने लगे तो ये भूंजकर बिल्कुल तैयार हो गया है। हमें इसे इतना ही भूनना है, 5 से 7 मिनट हमने इसे धीमी आंच में भुना है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे और साइड रख देंगे। मैंने यहाँ पे 1 जार ले लिया है और मैंने यहाँ पे थोड़े से पिंड खजूर लिए थे जिनके हमने बीज हटा दिए हैं, और इसे हम जार में डाल लेंगे। साथ में हम थोड़े से काजू डाल देंगे, 8 से 10। बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा इनका। और स्टफिंग के लिए हम इन्हें पीस लेंगे। इन्हें हमने इस तरह से दरदरा पीस लिया है और इसे भी अब हम निकाल लेंगे 1 कटोरी में। स्टफिंग हमारी बनकर तैयार है तो इसके भी हम छोटे छोटे बॉल्स बना लेते हैं। इस तरह से हम छोटे छोटे इन्हें हाथों से इस तरह से बनाकर रख लेते हैं ताकि लड्डू बनाना हमारा और भी आसान हो जाए। अब हम लड्डू बनाना शुरू करते हैं। और ये ठंडा हो गया है, बिल्कुल भी गर्म नहीं है। तो इस तरह से हम हाथों से इसे इस तरह से दबाते रहेंगे और हल्का सा चपटा कर देंगे और स्टफिंग भरकर इस तरह से पैक कर देंगे। हाथों से इस तरह से प्रेस करके हम गोल गोल लड्डू बना लेंगे। बाद में हम चिकना कर देंगे और देखें बहुत ही आसानी से और बढ़िया लड्डू बनकर तैयार हो जाएंगे। देखने में बहुत ही सुंदर लगेंगे ये लड्डू। इसी तरह से हम बाकी के लड्डू भी बना लेंगे। इस तरह से हम इसे हल्का सा चपटा करते जाएंगे और स्टफिंग भरकर पैक कर देंगे। तो सारे लड्डू हम इस तरह से बनाकर तैयार कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे 1 चम्मच दूध लिया है और इसमें केसर के धागे डाल दिए हैं। लड्डुओं को सजाने के लिए हमने इसमें केसर के धागे डाले हैं। आप यहाँ पर ऑरेंज कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैंने एक ढक्कन ले लिया है, कोई भी आप प्लास्टिक का जो भी आपके पास ढक्कन हो ले सकते हैं और इसमें इस तरह से डिजाइन कर सकते हैं। तो सारे लड्डू में हम इस तरह से हल्का हल्का
गोल गोल डिजाइन दे देंगे और देखें खूबसूरत लगने लगे हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पिस्ता लिया है बारीक काट कर और इसके ऊपर लगा दिया है। और जो केसर हमने भिगोया था दूध में उसे भी अब लगा देते हैं। रेसिपी पसंद आए तो आप हमारी रेसिपी को लाइक ज़रूर करिएगा। इन लड्डुओं को आप व्रत में भी बना सकते हैं या फिर दशहरा दिवाली कभी भी बनाकर खा सकते हैं। तो मिलते हैं और नई रेसिपी के साथ। स्टफिंग लड्डू हम आपको काट के दिखाएंगे कि कितने बढ़िया बने हैं, देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं।